इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हाल ही में टीपू सुल्तान नगर के नौजवान की मलेशिया में मौत हुई। रोज रोटी की तलाश में हजारों किलोमीटर कोई जाता है और वहां दर्दनाक मौत हो जाती है, और यह पहला वाकया नहीं है। सैकड़ों नौजवान अपनी ज़िंदगी के सुनहरे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों को पहुंचते हैं। कुछ लोग कामयाब होते हैं तो किसी के हाथ नाकामी आती है। अक्सर यह मामला मजदूर पेशा लोगों के साथ होता है। भारत में खासकर दुबई की ऊंची इमारतें, महंगे होटल, खूबसूरत और बड़ी सड़कें, कारें, महल, जब भी दुबई, ओमान, बहरीन, अबूधाबी का जिक्र होता है तो यही तस्वीर सामने आती है और यहाँ का नज़ारा आंखों के सामने आ जाता है। हुनरमंद मुलाजिम और गैर हुनरमंद मुलाजिम ऐसा दो हिस्सों में बैरूनी ममालिक में काम करने वालों की तकसीम की जाती है। वैसे तो इन्हीं काम करने वालों की जानिब से भारत को बड़े पैमाने पर बाहरी मुल्कों की करेंसी भी आती है, जिसका फ़ायदा भारत को होता है। बड़े कंपनियों में हुनरमंद मुलाजमत करने वाले काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं। रहने के लिए काफ़ी अच्छा मकान, गाड़ी और दीगर सहूलतें भी इन्हें मुहैया की जाती हैं। एक तरह के ऐश परस्ती की ज़िंदगी का मज़ा ये लेते हैं, समझ लीजिए। और जाहिर है घर वालों को भी वहीं ले जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बीवी बच्चों को साथ में ले जाते हैं दुबई या दीगर तरक्की याफ्ता शहरों में ज़िंदगी गुजर बसर करते रहते हैं। बड़े शॉपिंग मॉल में जाना, क्लब या सिनेमा घर, या हफ्ते में कई मरतबा होटलों का खाना खाना, और इसी में इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है मालूम ही नहीं पड़ता। बच्चे भी दुबई के स्कूलों में सीखते हैं तो इन्हें यहाँ के दादा नाना ने, यानी कि या हमारे मुल्क के, भारत के दादा नाना नानी, चाचा मामू या जैसे तमाम रिश्ते भी बिल्कुल दूर से हो जाते हैं। और वैसे भी वहाँ के माहौल में रहने के बाद जाहिर है यहाँ उनका दिल नहीं लगता। कुछ बच्चे तो मानो दुबई शेख के बच्चों की तरह बर्ताव करते रहते हैं। खैर, उमूमन यही दुबई की ज़िंदगी समझी जाती है और हर कोई दुबई, बहरीन, सऊदी में जाकर पैसे कमाने की सोचता रहता है। और जो गैर हुनरमंद मुलाजिम होते हैं, दरअसल इनकी ज़िंदगी के काले सच के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर मैं दुबई में रहता हूँ कहने वाले की ज़िंदगी कैसे कटती है। कुछ तो गलत एजेंटों के हाथों मारे जाते हैं। कुछ लोगों को गलत शहरों को भेज दिया जाता है, जहां पर या तो इनकी मौत हो जाती या तो ये मजबूरन खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे कई वाक्य हमारे सामने पेश आते रहते हैं। और जो गैर हुनरमंद मजदूर होते हैं, कैसे ज़िंदगी जीता है, कहां रहता है, जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जीकर कैसे घर वालों को पैसा भेजता रहता है, और दुबई या दीगर शहरों में जाकर काम करने वालों के इस पहलू पर काफ़ी कम लोग तस्करा करते हैं, इसका जिक्र होता है। वैसे भी पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कम हुआ है। अगर कुछ साल पहले तक यह था कि घर के तकरीबन मर्द हजरात दुबई सऊदी में रोज़ी रोटी के लिए जाते थे, कईयों ने बेलगाम जैसे छोटे शहरों में भी अच्छे मकानात भी तामीर किए, पर कहानी का वो पहलू छुपा हुआ ही रहता है कि एक या दो मकानात तामीर करने के लिए कैसे अपनी पूरी जवानी को दांव पर लगा दिया जाता है। जिन लोगों ने भी हेल्पर, मेसन, डिलीवरी बॉय, स्टोर कीपर, ड्राइवर या और भी दिगर कामों के लिए गए होंगे, उनकी ज़िंदगी में दुबई कोई अयाशी या लुत्फानंदोज होने वाला शहर नहीं था। सुबह से शाम तक इस कदर मेहनत मशक्कत करनी होती है कि कब अपने आप को बिस्तर पर नींद आ जाती है इनकी इसकी खबर ही नहीं रहती। जुमा में एक दिन छुट्टी मिलती है तो पूरा दिन आराम करने में गुजारते हैं। दूसरी तरफ किसी बाहरी मुल्क में जाने वालों को हवाई अड्डे तक आंखों में आंसुओं के साथ रुखसत किया जाता है, पर जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं, हमने कईयों को देखा है कि खैरियत बाद में पूछते हैं, पैसे कब भेज रहे हो, यही पहला सवाल होता है। जाहिर है बेटा या शोहर दुबई गया है तो ऐसा समझ लिया जाता है कि दुबई से नोट छाप कर भेज देगा। तपती गर्मी में अपने खून पसीने को सींच कर रुपये भेजने वालों की फिक्र करने की बजाय वहाँ से जो पैसे आते हैं उन्हें यहाँ किस कदर खर्चा किया जाता है। डी मार्ट या बिग बाज़ार के चक्कर अक्सर लगाए जाते हैं। जब महीना महीना रुपये हाथ में आने लगते हैं तो बेटा या बेटी भी महंगे मोबाइल और महंगी गाड़ियाँ खरीद कर अमीरी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देता है। जब वालिद का डर नहीं रहता तो बच्चे बिगड़ना लाजमी होता है, यकीनी होता है। माओं की आज़ादी भी जिम्मेदार होती है। और जब दो साल के बाद छुट्टी पर आता भी है तो फरमाइशों की फहरिस्त रहती है। कहने का मतलब यह है कि इंसान को उसके मुकद्दर से बढ़कर रिस्क नहीं मिलता, और वैसे भी ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़िंदगी बहुत छोटी है। घर वालों से दूर रहकर अगर आप लाखों रुपये भी कमा रहे हो
तो आखिर क्या फायदा? जितना भी अल्लाह ने हमें दिया है इसमें खुश रहने का हुनर हमें सीखना होगा। सब्र इसी का तो नाम है। कहते हैं अच्छी नेक औलाद सदके जारिया है, गरीबी में ही सही, पर बच्चों की सही तालीमात से आरास्ता करो, शायद तुम्हारी औलाद तुम्हारी निजात का जरिया बन जाए, वरना तो बेमकसद जिंदगी जीकर दौलत कमाने वाले इस दुनिया में बहुत है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।